नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। हमीरपुर में निजी निवास के अंदर चोटिल अवस्था में वृद्ध का शव मिला है। घायल स्थिति में शव मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर सुमेरपुर थाना पुलिस, एएसपी, सीओ सदर एवं फॉरेंसिक टीम मौजूद रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वाड टीम के साथ मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुमेरपुर इलाके के पशु बाजार के पास वार्ड नंबर 3 का पूरा मामला है। हमीरपुर से शिवम शिवहरे की रिपोर्ट। क्या नाम भैया? सुनील कुमार। कैसे, क्या हुआ आपके पिता का? ये माता जी आई हैं सुबह, तो फ्रेश रेस होकर जैसे आई हैं, तब ये रोती हुई रास्ते में गई हैं, तो मेरी बीवी लेटी थी आगे वाले कमरे, तो झटपटा आगे खोल रही थी दरवाज़ा, तो दरवाज़ा मेरे शोर कर रहे थे, तो मैंने कहा शांति क्या हुआ, मेरी माता जी रो रही हैं, तो फिर मैं उठा तो रास्ते में बेहोश पड़ी थी माता जी मेरी, तो फिर मैंने हिला के उठाया, तो वो माता जी ने बताया कि पिताजी का किसी ने कोई मार दिया। मैंने कहा हाँ क्या हो गया, तो फिर देखा मैं, फिर देखा तो ये हालत थी उनके पिताजी की मेरी, फिर मैं देखा तो फिर फ़ोन किया है 112 पे। तो कौन कर गया, कौन मर्डर कर गया, क्या बताएं साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ लेटे थे, कहाँ लेटे गए? यही आगे वाले कमरे में लेटे थे। कोई दुश्मनी कौन मार सकता है? हमारी जानकारी में कोई ऐसे दुश्मनी नहीं थी, बस क्या करते खेत का बल लफड़ा था थोड़ा। किससे? अब जिसको खेत, जिसने खेत लिया था वो अपना कह रहे थे, वो ऐसे पूरे रास्ते में है जमीन हमारी, तो कर रास्ते ऐसे ले रहे थे, तो पिताजी कह रहे थे हम ऐसे नहीं रास्ते नहीं देंगे, ऐसे ऐसे देंगे, बस इतना विवाद था। किसने लिया था खेत? पिताजी को मालूम है, वो नाम नहीं जानता उनका। आज दिनांक 4/7/2024 को सुबह करीब 6 बजे यूपी 112 के माध्यम से थाना सुमेरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा सुमेरपुर के इमलियावाड़ा कस्बे के रहने वाले धनी राम की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना सुमेरपुर SHO मय फोर्स के साथ मौके पर रवाना हो गए। वहां फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर में पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया जा रहा है। मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।